के लिए हमें चीज़ें चाहिए, दो के लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैदा लिए हमने 2 कप, अजवाइन ली हमने 1/4 टीस्पून, नमक लिया हसबे जायका, घी लिया हमने 2 टेबल स्पून और पानी लेंगे हसबे जरूरत। ये हो गया डो। और जो स्टफिंग हमने तैयार करनी है उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। कीमा लिया है हमने 1 पाव। आप बीफ का भी ले सकते हैं, मैंने चिकन का लिया, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो बीफ का भी ले सकते हैं। प्याज लिया है 1 अदद कटी हुई बड़ी वाली। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 1 टीस्पून। कुटी हुई हरी मिर्चें का पेस्ट लिया हमने 1 टीस्पून। ना कुटा हुआ अनारदाना लिया 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। नमक लिया है हसबे जायका। कुटी हुई लाल मिर्च लिए हमने 1 टेबल स्पून। गर्म मसाला पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया लिए हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ। खटाई लिए हमने 1/4 टीस्पून। और काली मिर्च का पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून। और ये चीज़ें होंगी स्टफिंग के लिए। और ऑयल लेंगे हम हसबे ज़रूरत। डो तैयार करने के लिए मैदे में हम डालेंगे नमक, अजवाइन डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे घी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी डाल के सारा मिक्स कर लें। मिक्स हमने कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट से डो तैयार कर लेंगे। डो को आप अच्छे से गूंद लें, तकरीबन 4 मिनट तक इसे गूंद लें, उसके बाद इसे रख दें। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी सी डो गूंद ली है। अब इसे हम रख देंगे 15 मिनट के लिए कवर करके। उतनी देर हम स्टफिंग तैयार करते हैं। पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून डालना है। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला। बहुत कम ऑयल में हम स्टफिंग तैयार करेंगे। साथ ही कटे हुए प्याज डाल देंगे। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। प्याज को हम कुक करेंगे। प्याज को इतना कुक करना कि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इससे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे। साथ में डालेंगे चिकन का कीमा। अब इन तीनों चीज़ों की हम खूब बनाई करेंगे, मिक्स कर लें। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। देखें आपकी लो फ्लेम पे कितनी अच्छी स्टफिंग तैयार होगी। प्याज को जलाना नहीं है आपने, चिकन को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पे रखें और उसे कुक करते जाएं। ये देखें 10 मिनट में कीमे और प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालने से पहले सबसे पहले मैं कटी हुई हरी मिर्चें डालूंगी जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। कुटा हुआ अनारदाना डालूंगी। नमक डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। कूटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। साथ मिक्स करते जाएं। साथ में इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खटाई पाउडर और इसको मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, मिक्स करके। इसे मिक्स करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके। पांच मिनट हो गए, ये कुक हो चुका है।
अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे खुश्क और छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इतने साइज के पेड़े बना लें और इसको रखते जाएं। इसी तरह सारे बना लें आप। पेड़े हमने सारे तैयार कर लिए, इसे साइड पे कर देंगे। लही तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून घी। मैदे में घी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। लही हमने तैयार कर ली है, इसे हम कचौड़ियाँ जब हम तैयार करेंगे उसमें लगाएंगे। इसे साइड पे करेंगे। सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे उस मैदे का, इस तरह से दबाएंगे और इसको बेल लेंगे। इसे हमने चपाती की तरह बेल लेना है। इसको हमने चपाती की तरह बेल लिया। अब इस पर लही लगाएंगे जो भी हमने तैयार की थी, लगा के इसे हाथ से फैला लें। लही लगाने के बाद थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे, इस तरफ से उठाएंगे और इस तरफ से उठाएंगे। फिर यहाँ पे लही लगाएंगे ऊपर इसके। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, फिर से इसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे। ये उठा लिया। अब इसे ऊपर से इस तरह कर देंगे। तो ये एक पेड़ा तैयार है। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े इस तरह बना लिए। अब इसे बेल के इसमें स्टफिंग करेंगे। तो एक पेड़ा लेंगे इसे बेल लेंगे। इस तरह से हमने इसे बेल लिया। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे, जो स्टफिंग हमने तैयार की हुई थी वो। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप इसमें स्टफिंग करेंगे। अब इसको इस साइड से पकड़ेंगे इस तरह कर लेंगे। इस तरह से इसे बंद कर लिया। अब इस साइड से इस तरह करेंगे और इस तरह कर लेंगे। हाथ के साथ इस तरह से बना के रखते जाएंगे। ये हमने तैयार कर ली है। इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे और उसे भी स्टफिंग करके रख लेंगे। सारी कचौड़ियों में स्टफिंग हमने कर ली। अब इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। तो गर्म गर्म ऑयल में हम कचौड़ियाँ डाल देंगे, ये दूसरी डाल देंगे। फ्लेम आप मीडियम रखेंगे, अगर फुल रखेंगे तो कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, ये फ्राई होकर ऊपर आ जाएंगी। तो इसका मतलब हमारी कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। तो अभी ये नीचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ जाएंगी तो फ्राई हो जाएंगी। अब ये पकना शुरू हो गई, ऊपर आ गई हैं। अब इन्हें एक तरफ से पकाएंगे, दूसरी तरफ से पकाएंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, इन्हें निकाल लेंगे। कचौड़ियाँ फ्राई हो चुकी, इन्हें निकाल लेंगे। ये फ्राई होगी, इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। और जो बाकी की बची हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तैयार है मज़े की कीमा कचौड़ियाँ, बहुत ही मज़े की बनी हैं। आप इसे रमज़ान में बनाएं, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएंगी। आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।